अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जैन। कराची के हालात आप लोगों को पता है, स्नैचिंग कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कोई भी दिन दहाड़े आएगा, आपकी छोटी से छोटी चीज़ गन पॉइंट पे आपसे ले जाएगा। आप अपने घर में सेफ नहीं है, गली में सेफ नहीं है, मोहल्ले में सेफ नहीं है, रोड पर सेफ नहीं है, गाड़ी में सेफ नहीं है। दो बंदे बाइक पे आएंगे, आपकी कमर में यहाँ पे थोड़ी सी गन लगाएंगे और आप अपना सारा सामान उसे दे देंगे और देना पड़ता है, जान सबको प्यारी है। और इसी को देखते हुए 10 मार्च को ये स्टेटमेंट आई थी कि अब कराची के शहर ही, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन स्नैच हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन यानी कि KEDA ने ये स्टेटमेंट निकाली कि सिर्फ कराची के शहरी जिनके आईडी कार्ड पर कराची का परमानेंट एड्रेस मेंशन होगा, वो सिर्फ मोबाइल फोन्स अपने दुकान में जाके बेच सकते हैं। यानी कि अगर मैं कराची का शहरी हूँ तो मैं ही सिर्फ अपना मोबाइल फ़ोन सेल आउट कर सकता हूँ शॉप्स पे, वरना मैं नहीं कर सकता। सपोज़ कीजिए मैं एक स्नैचर हूँ और मैंने किसी से फ़ोन स्नैच किया और मैं कराची का शहरी भी हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाता है कि कराची से ही फ़ोन उठाता हूँ और कराची में ही बेच देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे ज़रूर हैं जिन्हें नहीं पता होता कि फ़ोन स्नैच करने के बाद करना क्या है। वो सिर्फ समझते हैं कि सिम बंद कराएंगे और काम हो जाएगा। फ़ोन के IMEI को ब्लैक लिस्टेड कराना होता है, वो इतनी पंचायत में नहीं पड़ते और इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जहाँ पर उनका फ़ोन स्नैच हो जाता है, वो सिर्फ सिम बंद कराना ज़रूरी समझते हैं, अदरवाइज़ वो कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेते। अभी जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने निकाली है, कितने हद तक सक्सेसफुल होती है और कितने हद तक इम्प्लीमेंट हो चुकी है हमें नहीं पता, लेकिन एक पॉजिटिव साइड है, एक डाउन साइड है। पॉजिटिव साइड आप लोगों को पता है कि कराची में, जो कराची के बाहर, क्योंकि आपको पता है कराची में बहुत सारे लोग कारोबार करने बाहर से आते हैं, गांव साइड से आ रहे होते हैं, विलेजेस से आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर उस साइड से फ़ोन की जो बाइंग एंड सेलिंग है वो कम हो जाएगी। तो अगर कोई भी बंदा NIC जिसका बाहर का है, वो स्नैचर है, तो वो फ़ोन सेल आउट नहीं कर सकता, वो यूज़लेस हो जाता है। बट इसकी डाउनसाइड ये भी कि कराची में जो लोग रहते हैं, काम के सिलसिले में आते हैं, उनका परमानेंट एड्रेस ना भी हो लेकिन टेम्परेरी वो बहुत सारे टाइम के लिए कराची में रह रहे होते हैं, तो वहाँ पर एक जो लीगल और एक ऑथेंटिक बंदा है, वहाँ पर अगर उसे फ़ोन अपना सेल आउट करना होगा तो वो किस तरह करेगा। तो यहाँ पर ये थोड़ी मिसकंसेप्शन है, आई डोंट नो किस तरीके की पॉलिसी है और क्या दिमाग में रख के बनाया गया है, और अभी तक ये स्टेटमेंट सामने आई है। अब ये नहीं पता ये इंप्लीमेंट होना शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत ही नैरो साइड है और इतने बड़े पैमाने पे सामने भी नहीं आया। एंड मैं आपको ये कहूँगा, देखें कभी भी आपका फ़ोन स्नैच हो रहा हो, कोई गन पॉइंट में आपसे ले रहा हो, चाहे वो 20,000 का हो या 4 लाख रुपये का हो, आपने जस्ट दे देना है। कुछ भी नहीं होता, जान से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं है। आप दोबारा ले लेंगे, वो मटेरियलिस्टिक सक्सेस थी एक थोड़ी सी, आप काबिल होंगे, आप दोबारा बना लेंगे, जान चली गई नहीं आती वापस। आप होंगे बहुत बड़े फंटर, आपके पास होगी पिस्टल, आपके बैग पे लगी होगी, आपके बहुत ताल्लुकात होंगे, लेकिन गोली चलने में टाइम नहीं लगता। ट्रस्ट मी, आपने जस्ट उनको अपना फ़ोन और जो भी वो डिमांड करें आपने दे देना है। तो यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अपना कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब जरूर दें कि आप क्या सोचते हैं इस पॉलिसी के बारे में। अपना कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, या आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।